हेलो एंड वेलकम बैक टू गेट एडमिशन, माई सेल्फ हिमांशु। और आज इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए करने वाले हैं कॉलेज का एक रिव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के बारे में। तो जानेंगे इस कॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में और साथ ही जानेंगे यहाँ का एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट, कैंपस लाइफ, डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च। तो इस कॉलेज की अगर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करें तो ये कॉलेज 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ये गीता कॉलोनी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। स्क्रीन पे आपको लोकेशन देखने को मिल ही गई होगी। और इसके बाद अगर हम इसके एफिलिएशन की बात करें तो ये GGSIPU यानी IPU दिल्ली से एफिलिएटेड है और साथ ही ये AICTE अप्रूव्ड भी है। स्ट्रीम यानी जो इसका स्ट्रॉन्ग जोन है वो है इंजीनियरिंग। तो कैंपस लाइफ की इस कॉलेज की बात करें तो आप यहाँ पे अपनी जो बीटेक का 4 साल का कोर्स है वो अपने 4 साल काफी अच्छी तरह बिता सकते क्योंकि इस कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। हॉस्टल लाइफ यहाँ की काफी बेहतर है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो बीटेक का जो 4 साल का कोर्स है उस कोर्स में इस कॉलेज की जो फीस रहती है, सबसे पहले हम फीस की बात कर लेते हैं आज। तो फीस जो रहती है वो रहती है 38,000 पर ईयर। तो जी हाँ, इस कॉलेज की फीस दूसरे कॉलेज के मुकाबले काफ़ी कम है। IPU से ये एफिलिएटेड है और इसके एडमिशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो IPU इस कॉलेज का JEE मेंस के थ्रू भी यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। IPU CET का जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस, आप उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल, ECE। तो ये सभी जानकारी थी BTech के बारे में। अब हम बात करते हैं MTech के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो MTech में आप एडमिशन गेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू भी यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो इसकी फीस रहती है 2 साल की वो रहती है 38,000 पर ईयर और इस कॉलेज में MTech के लिए 2 स्ट्रीम अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं PhD के बारे में। तो दो साल के कोर्स में आपको मिलेंगी 2 स्ट्रीम, वो आप अपने से चूज कर सकते हैं, CSE और EC PhD में अवेलेबल है। कॉलेज रेटिंग की हम बात करें तो NIRF द्वारा इस कॉलेज को 251th रैंकिंग प्राप्त है 300 में से। और इसके बाद अगर हम बात एकेडमिक रैंकिंग के बारे में तो 7.6 रैंकिंग प्राप्त है 10 में से और एडमिनिस्ट्रेशन में इसको 5.1 रैंकिंग प्राप्त है 10 में से। तो गाइज अब सबसे मेन बात जो है पैकेज, प्लेसमेंट, इन सब बातों के बारे में। तो इसका जो हाइस्ट पैकेज इस कॉलेज का निकला है वो है 10 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज जो रहता है वो रहता है 3.5 लाख टू 4 लाख टू 5 लाख, वो सब एवरेज है यहाँ के पैकेज। तो सबसे जरूरी आपकी स्किल्स आपको प्लेसमेंट दिलाती हैं, ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। और अगर मैं अपने पर्सनल रिव्यू के हिसाब से बताऊँ तो ये कॉलेज ओवरऑल गुड है और अच्छा है। अगर आप यहाँ पे अपना इंजीनियरिंग का एडमिशन लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप एक अच्छे कॉलेज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये IPU से एफिलिएटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि तो इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं इस कॉलेज की हम यहीं पे समाप्त। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। तो अगर आपको कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप कॉल कीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद। तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, उससे पहले मत जाना। थैंक यू और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना।